अच्छा था मेरा बचपन। यही लेसन समाप्त होने के बाद हम फिर से वही वहां पर प्रश्नोत्तर था, वो प्रश्नोत्तर लिखने का काम आपका है, लेकिन यहाँ पर जो इन महावर्यों का फॉर ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम प्रारंभ करेंगे। इन मुहावरों पर ध्यान दीजिए, जिस तरह यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, लेकिन उसके बारे में हम विचार करेंगे। यहाँ पर पौ पठना दिया है, पौ पठना एक मुहावरा है। ये मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रभात होना। समझ में आया? पौ पठना यही मुहावरा है। ये मुहावरा का अर्थ क्या है? जो प्रभावित होना या प्रभात होना। लेकिन यहाँ पर काम आना सेकंड वन फॉर एग्जांपल दिया गया है। काम आना तो काम में आना, इस्तेमाल होना, काम में आना या इस्तेमाल होना, इसका अर्थ है। वही जो पांचवा क्वेश्चन है, अन्य वचन रूप लिखिए, लेकिन यहाँ पर दिया है एक वचन या कुछ शब्द जो बहुवचन भी आया है। एक वचन में रहे तो वही शब्द बहुवचन में, बहुवचन में रहे तो वही शब्द एक वचन में लिखना ही जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बच्चा बच्ची, गाली गालियां, बच्चा है या बच्चे, बच्चा कहे तो एक वचन, बच्चे बहुवचन होता है। गाली गलियां, गली गलियां, गली कहे तो स्ट्रेट है ना, गली गलियां, केला केले, ला ले हो सकता है, ई या हो सकता है, नौका ये नौका ये, आ आए तो क्या होगा, ये प्रत्यय लगाते हैं नौका ये, प्रतियां प्रति, प्रतियां बहुवचन वर्ग है, प्रतियां प्रति, पुस्तकें पुस्तक, पुस्तकें कहे तो बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर एक वचन क्या है, पुस्तक, पुस्तक का जो बहुवचन पुस्तकें हो सकता है। और विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्द कहे तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द का अर्थ क्या है, अपोजिट वर्ड, बहुत कम, शाम सुबह, सफल असफल, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, अपना पराया, यही विलोम शब्द है। फिर से एक बार विचार करेंगे, विलोम शब्द लिखिए जिस तरह प्रश्न है, जो बहुत रहता है कम, शाम सुबह, सफल असफल, अच्छा बुरा और बड़ा छोटा, अपना पराया, अपना पराया याद रखकर, याद में रखो, लेकिन यही सब इजी है, लेकिन अपना का बहुवचन क्या है, पराया। और जोड़ कर लिखिए, यहाँ खंड रहता है अ आ, दो भाग होता है, वो दो भाग में दिए गए है शब्द को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जोड़ कर लिखना ही जरूरी है। अ भाग में मेरा पिता मद्रास राज्य, यह शमशुद्दीन, चौथा अहमद जलालुद्दीन, पांचवा है पक्का दोस्त, ये पांच दिया गया है। मेरे पिता कहे तो इसमें जो शब्द है जैनलाब्दीन, तमिलनाडु रामेश्वरम, चचरे भाई और अंतरंग मित्र रामानंद शास्त्री, लेकिन यहाँ पर मेरे पिता का नाम क्या है, जैनुलद्दीन, जैनलाब्दीन, यही इनका पिता का नाम है, यही सही है, मेरे पिता जैनलाब्दीन यही पिता का नाम है, ये करेक्ट। आपकी किताब में क्या किया है, ये वहां पर अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर है ना, आंसर होने के लिए ये करेक्ट दिया है, लेकिन मेरे पिता जैनलाब्दीन और मद्रास राज्य तमिलनाडु रामेश्वरम, यस ओके इज करेक्ट। एंड शमशुद्दीन कौन है, चचरे भाई है। यहाँ पर अहमद जलालुद्दीन ये अंतरंग मित्र है, अहमद जलालुद्दीन अंतरंग मित्र है और पक्का दोस्त रामानंद शास्त्री। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन रहता है फिल इन द ब्लैंक्स इन इंग्लिश, जो यहाँ पर रिक्त कहे तो फिल इन द ब्लैंक्स ये एम्प्टी प्लेस रहता है, लेकिन स्थानों की पूर्ति कीजिए। आशियम्मा उनकी आदर्श डैश डैश थी,
आशियम्मा कहिए तो आशियम्मा उनके आदर्श जीवन संगाती, यहाँ पर जीवन संगिनी की, जीवन संगिनी है। और रामेश्वरम प्रसिद्ध डैशेस है, लेकिन रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और थर्ड वन, पूजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। पूजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री है, वो रामेश्वरम का पुजारी है, वहां पर तीर्थ स्थल का पुजारी है। जो पुजारी है मेरा पिताजी है, वो मेरा पिताजी का अभिनव अभिन्न मित्र है। चार, अकबर एजेंसी को अकेला शमशुद्दीन चलाते थे, लेकिन अकबर कहे तो न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर्स एजेंसी रहता है को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे, अकेले ही शमशुद्दीन ही वो देखभाल करते थे। और पांचवा, अहमदाबाद अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, फिफ्थ है, लेकिन फिफ्थ शादी हो गई किसके साथ, अहमद जलालुद्दीन की मेरी, अहमद जलालुद्दीन की है ना मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ इनका शादी हो गई है। यह रिक्त स्थान समाप्त हो, लेकिन अनुरूपता नेक्स्ट है। अनुरूपता, अनुरूपता के बारे में यहाँ पर विचार करेंगे। नौ, गांधी जी कौन है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपिता के नाम से हमें गांधी जी यहाँ पर गौरव दिया देती है। उसी तरह अब्दुल कलाम कौन है, वैज्ञानिक है या जनवादी राष्ट्रपति। और इसी तरह जलालुद्दीन जीजा शमशुद्दीन, जलालुद्दीन जीजा है लेकिन शमशुद्दीन कौन है, चतरे बारी है। और ट्रेन भू यात्रा नौका कहे तो जला यात्रा नौका या शराब सी में रहता है या वहां पर समुद्र रहता है ना, और समुद्र में कौन क्या रहता है, वहां पर नौका रहता है। इसके लिए ट्रेन भू यात्रा, ट्रेन कहे तो यहाँ पर धरती पर वो ट्रेन चलता है, इसके लिए भू यात्रा। नौका कहे तो वो नौका ने कहा जाती है, जल में जाता है, पानी में जा सकता है, इसके लिए जल यात्रा। हिंद मंदिर इस्लाम मस्जिद, हिंदू कहे तो मंदिर, हिंदू का जो देवस्थान कहाँ है, मंदिर के मंदिर जाता है, और इस्लाम मस्जिद को प्रार्थना करने के लिए जाता है। सही शब्द से खाली जगह भरिए, लेकिन सही शब्द से यहाँ पर दिया गया है शब्दों को, क्या हो गया है, सही शब्द से खाली जगह भरिए। अब्दुल कलाम का जन्म डैशेस में हुआ, लेकिन अब्दुल कलाम है, जो अब्दुल कलाम का जन्म डैशेस में हुआ, लेकिन यहाँ पर चेन्नई बेंगलोर रामेश्वरम श्रीरंग दिया है। लेकिन इसमें जो रामेश्वरम में आपका जो अब्दुल कलाम ओला अब्दुल कलाम का जन्म हो गया। और सेकंड वन, रामेश्वरम में प्रतिष्ठित डैशेस मंदिर है, यहाँ पर विष्णु अय्यप्पा हनुमान शिवा, लेकिन वहां पर कहे तो रामेश्वरम के शिवा का मंदिर है। और जलालुद्दीन की दिनचर्या डैशेस के पहले शुरू होती थी, पौ पठाना सूर्यास्त दोपहर शाम, लेकिन सूर्यास्त होने से ही पहले शुरू हो जाती थी। नंबर फोर्थ वन, अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को डैशेस कहकर पुकार, लेकिन यहाँ पर पुकार करते थे, अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को डैशेस कहकर पुकार करते थे। आंसर दिया है अब्दुल आजाद राष्ट्रवादी कलाम, लेकिन यहाँ पर आजाद सही उत्तर है। वाक्य में प्रयोग कीजिए, लेकिन यहाँ पर शब्द दिया है, लेकिन वही शब्द आपको लेकर क्या करना चाहिए, आपका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में ही लिखने, तो वही सेंटेंस अच्छा हो सकता है। जीवन संगिनी, जीवन संगिनी यहाँ पर कस्तूरी बाई ने गांधी का जीवन संगिनी है, यही वाक्य भी सही हो सकता है। और पुष्टौनी ये शब्द सेकंड वन दिया है, पुष्टौनी कलाम जी रामेश्वरम में अपने पुष्टौनी घर में रहते थे। और थर्ड वन है प्रसिद्ध, रामेश्वरम में प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इस तरह दो दिनचर्या, जैनालुद्दीन की दिनचर्या, यहाँ पर दिनचर्या शब्द आया ना,
इसके लिए चैनल अध्यक्ष की दिनचर्या पौपट में के पहले शुरू होती थी। और संतुष्टि यहाँ पद दिया है, वो संतुष्टि पद क्या करना, आपके वाक्य में यूज करना। बच्चे परीक्षा में ज्यादा अंक पाते हैं तो माँ बाप को संतुष्ट मिलती है, लेकिन बच्चे तो एग्जामिनेशन में जो अधिक अंक पाने तो वही समय में उनका माता पिता को क्या हो सकता है, संतुष्टि होता है। और पर्यायवाची शब्द लिखिए, यहाँ पर शब्द दिया है, वो शब्द को पर्यायवाची शब्द लिखना ही जरूरी है। लेकिन इस तरह कहिए तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ यहाँ पर विचार करेंगे, लेकिन एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर समाप्त हो गई है। और यही प्रश्नों का समाप्त हो गई है, विलोम शब्द का जो समाप्त हो गई है, लेकिन आगे क्या है उसके बारे में यहाँ पर विचार करेंगे। लेकिन इसमें तो मेरा बचपन यही नाम से हमें विचार करना था, लेकिन वो पांच वाले समय थोड़ा ही गलत हो गई है। देखिए यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद आठवा लेसन आ गई है। आओ नेक्स्ट वन, लेकिन पर्यायवाची शब्द यहाँ पर है, पर्यायवाची शब्द लिखी घर मकान और बुनियादा, बुनियादा पर्यायवाची शब्द नींद शाम, अगला एक पद है वो संध्या, और शरीर देह दोस्त, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, मित्र। और भाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान के तो यहाँ पर उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया शब्द को लिखिए। प्रेरणात्मक क्रिया शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन के लिए, जिसके लिए देखना ये प्रथम प्रेरणार्थक है, ये सेकेंडरी प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक कहा जा सकता है। देखना दिखाना दिखाना कब का हो सकता है, देखती हो सकता है, देखना दिखाना, जगना जगाना, बैठना बिठना, और सुनना सुनाना, करना कराना, भेजना भिजवाना, चलना चलाना, रोला रोलाना, दोला दुलाना, दिल दिलाना, लेकिन यही शब्द है दिलाना, देना है ना, यहाँ पर देना है, देना का जो आवश्यक द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द क्या हो सकता है, दिलाना हो सकता है। और इसके अलावा नेक्स्ट वन के यहाँ पर है, जो नेक्स्ट वन उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक शब्दों की सहायता से पांच वाक्य बनिए, लेकिन उदाहरण के अनुसार आप क्या करना चाहिए, यहाँ पर उदाहरण दिया है ना, अध्यापक कहानी सुनते हैं, लेकिन इसमें अध्यापक कहानी सुनते हैं इसमें जो अध्यापक कहानी सुनते हैं बालक पाठ पढ़ता है ना, लेकिन रिहाना गांव जाता है, अध्यापक ने गृह कार्य लिखने के लिए कहा, भाषा का गांव बेंगलोर है, हम मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए। उदाहरण के अनुसार प्रेरणा शब्द के सहायता से पांच वाक्य बनिए। उदाहरण दिया है अध्यापक कहानी सुनाते हैं, यहाँ पर सुना ये प्रेरणात्मक शब्द है, लेकिन बालक पाठ पढ़ता है यही जो प्रेरणात्मक शब्द है, रिहाना गांव जाता है, जाना है कि एक प्रेरणात्मक है, अध्यापक ने गृह कर लिखने के लिए कहा, लिखने है ना, वो प्रेरणात्मक शब्द है। और आशा का गांव बेंगलोर है, जो आशा का गांव कौन सा है, बेंगलोर है, और हम मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए, यहाँ पर पढ़ाई है ना, वही शब्द क्या है, यहाँ पर प्रेरणात्मक हो सकती है। लेकिन आगे जो बसंत की सच्चाई, बसंत की सच्चाई लिखी है विष्णु प्रभाकर, वो विष्णु प्रभाकर की जो इनका बसंत की सच्चाई यही विषय के बारे में पहले ही समझकर, लेकिन वही विष्णु प्रभाकर के बारे में जो परिचय दिखाकर वो क्या है बसंत की सच्चाई, इस जो सारांश क्या है उसके बारे में अगला वीडियो के साथ विचार करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।